Hello everyone, today in this video we are going to discuss regarding how to show field or button only in developer mode in Odoo 16. तो हमारा Odoo 16 apps है और हम work कर रहे हैं अपने ये custom module पे। हमारा custom module का नाम है hospital, ठीक है। और इससे पहले हमने किया था hide one to one column based on parent record in Odoo 16, जैसे हम अपने मॉड्यूल में गए हॉस्पिटल में और इससे पहले हमने जो वन टू वन में रिलेशन था हमने उसमें फील्ड हाइड की थी, देखिए सेल्स है हमने हाइड की हुई है। अब मैं इसको अगर फॉल्स करता हूं तो यहाँ पे सेल्स प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है, अगर मैं इसे ट्रू करता हूं तो यहाँ पे सेल्स प्राइस हाइड हो रहा है। तो हमने वर्क किया था कल हाइड वन टू मैनी कॉलम बेस्ड ऑन पेरेंट रिकॉर्ड इन Odoo 16, ठीक है। तो आज हम वर्क करेंगे हाउ टू शो फील्ड और बटन ओनली इन डेवलपर मोड इन Odoo 16। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट बटन और एक्शन बटन को ये डिबग मोड पे एक्टिव करता हूं, जैसे कि मैं अगर जैसे कि सेटिंग्स पे जाता हूं और इसे एक्टिवेट द डेवलपर मोड में मतलब डीएक्टिवेट द डेवलपर मोड करता हूं और मैं अपने मॉड्यूल पे जाता हूं, अपॉइंटमेंट पे जाता हूं और ये दो बटन है जो जब भी यूजर डीएक्टिवेट हो तो ये दो बटन अपने आप हाइड हो जाए और जब भी यूजर एक्टिवेट हो तो ये बटन शो हो। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट व्यू डॉट एक्सएमएल में जाएंगे और बटन हमारे कहाँ है, बटन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट टेस्ट नेम है, ऑब्जेक्ट टेस्ट, ऑब्जेक्ट बटन है, बटन नेम ऑब्जेक्ट टेस्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बटन, ये देखो स्ट्रिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बटन है और ये एक्शन बटन है, एक है हमारा एक्शन बटन। तो इसको हाइड करना है, हाइड करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे कोटेशन के अंदर बेस और डॉट ग्रुप और अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर वन यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। इसको करता हूँ मैं सेव। अब एप्स में जाएंगे और अपने एप्स को अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करने के लिए हॉस्पिटल यहाँ पे जाएंगे, फिर अपग्रेड यहाँ पे एरर है एट्रिब्यूट ग्रुप रीडिफाइन, शायद यहाँ पे ग्रुप्स GROUPS ग्रुप्स इक्वल टू बेस डॉट ग्रुप अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर वन यहाँ पे किया, शायद यहाँ पे कोमा आएगा। सेव करता हूँ मैं और इसको कर देता हूँ अपग्रेड करता हूँ दोबारा, फिर एरर किस चीज का है, ये लाइन 76 अपॉइंटमेंट व्यू डॉट एक्सएमएल में लाइन 76 में यहाँ पे है हमारा एरर है, ये मैंने दो बार दिया हुआ यहाँ पे ग्रुप्स, ये देखो उसको मैं करता हूँ सेव और अब जाता हूँ ओके करता हूँ और अपग्रेड करता हूँ उसे। अब मैं अपग्रेड हो गया, अब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ मैं और मैंने इस पे लगाया, अब जो ऑब्जेक्ट बटन पे लगाया ये भी ऑब्जेक्ट बटन पे लगाया मैंने। तो अगर मैं इस यूजर को डीएक्टिवेट डेवलपर मोड करता हूँ, इस यूजर को डीएक्टिवेट डेवलपर मोड करता हूँ, अब जाता हूँ अपने हॉस्पिटल पे और अपॉइंटमेंट पे, अब ये देखो यहाँ से ये बटन रिमूव हो गया है, ठीक है। अगर मैं दूसरे बटन को भी यहाँ पे रिमूव करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट किया, दूसरे बटन भी मैंने ये लगा दिया है। तो एप्स में जाऊँगा मैं, अपग्रेड करूँगा, अपग्रेड किया मैंने और अब देखो हॉस्पिटल में जाएंगे, अपॉइंटमेंट में जाएंगे, अब देखो दूसरा बटन भी यहाँ पे रिमूव हो गया है, ठीक है। अगर हमें जो यूजर जिस पे भी हम बेस डॉट ग्रुप अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर वन लगाएंगे तो जब भी हम डीएक्टिवेट द डेवलपर मोड करेंगे उस यूजर में हमारा वो हाइड हो जाएगा जिस चीज पे हम ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक्टिवेट डेवलपर मोड करता हूँ, अब सेटिंग्स में जाके एक्टिवेट डेवलपर मोड करता हूँ तो ये इस यूजर को सब कुछ यहाँ पे शो होगा। अब देखो अपॉइंटमेंट पे जाता हूँ, अब देखो ये दोनों बटन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है।
तो आज हमने किया हाउ टू सो फिल और बटन ओनली इन डेवलपर मोड इन उडू 16। ठीक है, तो डेवलपर मोड को हम डीएक्टिवेट करते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाएंगे, अगर इसको एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये बटन, तो इसके लिए हमने ये ग्रुप्स में बेस डॉट ग्रुप अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर वन हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने।